नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर मन की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम कोरोना संकट और कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के बीच हो रहा है। फिलहाल पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि एक खुशखबरी सुना रहा हूँ, कनाडा से अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति वापस लाई गई है, इसके लिए कनाडा सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आज मैं आप सबके साथ एक खुशखबरी साझा करना चाहता हूँ। हर भारतीय को यह जानकर गर्व होगा कि देवी अन्नपूर्णा की एक बहुत पुरानी प्रतिमा कनाडा से वापस आ रही है। माता अन्नपूर्णा का काशी से बहुत ही विशेष संबंध है। अब उनकी प्रतिमा का वापस आना हम सभी के लिए सुखद है। माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा की तरह ही हमारी विरासत की अनेक अनमोल धरोहरें अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का शिकार होती रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा की वापसी के साथ एक संयोग भी जुड़ा है कि कुछ दिन पूर्व ही वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज वीक संस्कृति प्रेमियों के लिए पुराने समय में वापस जाने और उनके इतिहास के अहम पड़ावों को पता लगाने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने के बाद पीएम मोदी मन की बात कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन तैयार करने का काम चल रहा है। कई देशों में वैक्सीन का काम अपने अंतिम चरण पर है। भारत में भी वैक्सीन की खोज का काम अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की 3 प्रमुख लैब का दौरा किया और वहां वैक्सीन की जानकारी ली। कोरोना वैक्सीन के जायजे पर निकले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस दौरे का अंत पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ किया। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।